व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट साहिबा और आज मैं आपको चटनियाँ सिखा रही हूँ, जिसके आज चौथी चटनी आज मैं आपको सिखाऊंगी, जो कि हरा धनिया और पुदीने की है, और हरा धनिया पुदीने की फुलकियों वाली चटनी है। गर्मियों के दिनों में ये चटनियाँ जो सी हैं, दही की रायते भी हम इसे कहते हैं, ये बहुत ज्यादा मुफीद होती हैं। हम इनको खानों के साथ, सालों के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, चावलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चले आए अब हम इंग्रीडियंट, हम नोट करें फिर हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले जो सा हरा धनिया के कुछ पत्ते मैंने थोड़े से काट लिए हैं, ये 2 चम्मच है। नमक जो सा वो 1/2 चम्मच मैंने यूज किया है। जीरा जो है वो भी 1/2 चम्मच मैंने, जीरा जो है वो मेरा छोटा चम्मच है, जो उसका 1/2 मैंने लिया है। पुदीने की कुछ इस तरह मैंने पत्तियां जो है वो निकाल रही हैं। 2 अदद मैंने जो है वो मैंने हरी मिर्चें ली हैं। दही जो है वो मैंने 1 कप यूज कर रही हूँ इसमें। और फुलकियां जो है वो मैंने भिगो ली थी पानी में और ये अच्छे से फूल चुकी हैं। अब मैंने इनका पानी निकाल दिया है। और ये जो चाहिए आप जितनी आप इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच यूज किए हैं। चलो यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मैंने ये छोटा सिलबट्टा लिया है। अब इसमें मैं हरा धनिया की पत्तियां शामिल करूंगी, पुदीना शामिल करूंगी, नमक शामिल करूंगी, मिर्चा जो सी हैं वो मैं काट लूंगी इस तरह, और जीरा भी सामने शामिल कर दूंगी। अब मैं इसे सिलबट्टे की मदद से कूटूंगी, अच्छे से इसे रगड़ लूंगी। आप देख सकते हैं चटनी जो सी है वो मैंने पीस ली अच्छे से। अब मैं इसे दही में शामिल करूंगी। आप चाहे तो इस तरह की ज्यादा चटनी बना के अपने फ्रीजर में जो है वो रख सकती हैं, जब चाहे दही बना सकती हैं। अब मैं इसे अच्छे से दही में मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा ग्रीन कलर आ गया है, लाइट ग्रीन, और इसमें पुदीने की खुशबू बहुत ज्यादा प्यारी आ रही है। अब हम इसमें जो सी मटर पकौड़ियाँ हैं वो इनका पानी निकाल के वो शामिल करेंगे इसमें। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं धनिया और पुदीने की फुलकियां वाली चटनी जो थी वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको सालन रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल तैयबा इन द किचन, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा।